आज हम सब यहाँ पे सेवंथ पे कमीशन लागू ना होने के कारण यहाँ रोष व्यक्त कर रहे हैं। हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि भारत के लगभग सभी राज्यों में ये लागू हो चुका है, तो क्यों हिमाचल इससे पीछे रहेगा। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये लागू किया जाए। हमारी मीटिंग जो है ये सेवंथ पे कमीशन से रिलेटेड है। अभी तक शायद गवर्नमेंट को हम, वी आर नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यार हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल रहे, हम सिर्फ अपनी राइट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जहां थ्रू आउट द स्टेट सभी को सेवंथ पे कमीशन मिल गया है, तो सिर्फ हमारे कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के जो लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स हैं उन्हीं को क्यों वंचित रखा गया है। दूसरा, जो हम हमेशा से ये कॉन्ट्रैक्ट का जो मुद्दा है उसको हम लेते, हमेशा हमने ये प्रॉब्लम अपनी बताई है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट का नीतियां विद टाइम चेंज होती रही है। कुछ लोगों को 6 साल में इन्होंने रेगुलर किया है, कुछ लोगों को 3 साल में करा है और कुछ को 2 में। और चलो फाइनेंशियल बेनिफिट तो देना दूर की बात है, लेकिन इन्होंने अभी तक नोशनल बेनिफिट भी नहीं दिया है। आगे जाकर हम कुछ स्ट्रिंजेंट एक्शन लेंगे और शायद हम प्रोटेस्ट के लिए रोड्स पे भी आ सकते हैं, बिकॉज अब क्योंकि हम ही लोग हैं जो कि जिनको सेवंथ पे कमीशन नहीं मिला है। आज जो है सोलन लोकल यूनिट ने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है, और ये मीटिंग जो यूजीसी सेवंथ पे स्केल है जिनको हम जो है पिछले 3-4 सालों से प्रयास है लागू करवाने के लिए, बट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं।